दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के डाई हार्ड लवर हैं और रिसेंटली आप अपनी मसरूफियत की वजह से क्रिकेट से दूर रहे हैं तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, स्टोरीज और टॉप परफॉर्मेंसेस दैट यू मस्ट नो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ। मैं हूं आपका होस्ट साबिर अब्बास। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की लेटेस्ट और हॉटेस्ट न्यूज के बारे में। इंग्लिश कैप्टन इयान मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड टीम को वनडे क्रिकेट की टॉप साइड बनाने और वर्ल्ड कप जितवाने में मेन रोल इयान मॉर्गन का है। अगर कैप्टेंसी की बात की जाए तो इयान मॉर्गन का शुमार न सिर्फ इंग्लैंड के बल्कि दुनिया के टॉप कैप्टन्स में होता है। पाकिस्तानी फैंस के लिए खुशखबरी है कि पीसीबी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक ट्राई नेशन सीरीज अरेंज की है, जो अक्टूबर में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्राइस्टचर्च में खेली जाएगी। T20, T10 और 100 के बाद वेस्ट इंडीज ने द 60 के नाम से एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया है। इस फॉर्मेट में कुछ नए और इंटरेस्टिंग रूल्स रखे गए हैं। बैटिंग टीम के पास 10 की बजाय 6 विकेट्स होंगी और पावर प्ले के 2 ओवर्स में 2 सिक्सर्स लगाने पर बैटिंग टीम को पावर प्ले का एक एक्स्ट्रा ओवर दिया जाएगा। IPL 2023 से 2027 के मीडिया राइट्स $6.2 बिलियन में फरोख्त हुए हैं। IPL की पर मैच वैल्यू इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी क्रॉस कर गई है। BCCI ने IPL के लिए ICC से 2.5 मंथ्स की विंडो मांगी है, जिसको PCB ने चैलेंज करने का फैसला किया है। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए यासिर शाह को पाकिस्तानी टीम में वापस लाया गया है। यासिर शाह पाकिस्तानी स्पिनर्स में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इंग्लैंड ने ODI क्रिकेट का सबसे बड़ा टोटल बना डाला है। मजे की बात यह है कि इंग्लैंड ने अपने ही हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिग बैश लीग की व्यूअरशिप पिछले कुछ सालों से डिक्लाइन का शिकार है। इस इशू को एड्रेस करते हुए BBL ने प्लेयर्स ड्राफ्टिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके मुताबिक हर टीम ने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स को परचेज करना होगा। प्लेयर्स की डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से सैलरीज आपके सामने हैं। PCB ने साल 2022-23 के लिए 15 बिलियन रुपीस के बजट का ऐलान कर दिया, जिसमें प्लेयर्स को व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। इन सब अपडेट्स के अलावा बात करते हैं जून में होने वाले मजीद कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग इवेंट्स के बारे में। 14 साल बाद मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। सख्त गर्मी के बावजूद भी तमाम मैचेस में हमें हाउसफुल देखने को मिला। वेल डन मुल्तानियों। मुल्तानियों के इसी जज्बे को खैराज तहसीन पेश करने के लिए हमने एक गाना बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाबर और इमाम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जब से रैंकिंग सिस्टम बनाया, ये पहली दफा हुआ है कि ODIs में नंबर 1 और 2 दोनों बैट्समैन पाकिस्तानी हैं। ICC ने मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन क्लियर कर दिया है और वो बहुत जल्द इन एक्शन नजर आएंगे। लंका प्रीमियर लीग 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लीग 31 जुलाई से 21 अगस्त तक खेली जाएगी। PCB को देखते हुए BCCI ने भी रिटायर्ड प्लेयर्स की पेंशन को बढ़ा दिया है। जहां PCB ने 1 लाख का इजाफा किया था, वहां BCCI ने रिटायर्ड प्लेयर्स की पेंशन को तकरीबन 2 गुना कर दिया है। यहां एंड होते हैं न्यूज सेगमेंट का। अब डिस्कस करते हैं जून में खेली गई सीरीज के रिजल्ट्स को। 7 से 11 जून तक श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 की सीरीज खेली गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया। मैन ऑफ द सीरीज रहे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरन फिंच, जिन्होंने इस सीरीज में 141 रन स्कोर किए। T20 के बाद ODI सीरीज में यंग श्रीलंकन टीम ने शानदार कमबैक किया और 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। 249 रन के साथ कुशाल मेंडस मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 ODIs की सीरीज 8 से 12 जून तक खेली गई, जिसमें पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया। इमाम अलक अपनी कंसिस्टेंट बैटिंग की वजह से मैन ऑफ द सीरीज बने। 9 से 19 जून तक इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाली 5 T20 की सीरीज 2-2 से बराबर रही। सीरीज के पहले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को धो डाला, तो नेक्स्ट 2 मैचेस में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को धो दिया। और जब बात आती है सीरीज के डिसाइडर की, तो उस मैच में बारिश ने इन दोनों टीम्स की उम्मीदों को धो डाला। भुवनेश्वर कुमार 6 विकेट्स के साथ मैन ऑफ द सीरीज रहे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2 से 27 जून तक खेलेगी, जिसमें इंग्लैंड ने न्यू टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी में न्यूजीलैंड को पूरी तरह डोमिनेट किया। इंग्लैंड ने इस सीरीज में बहुत अग्रेसिवली खेला और न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप को आउटक्लास कर दिया। मिस्टर कंसिस्टेंट जो रूट इस सीरीज में 396 रन के साथ मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। जहां इंग्लैंड की रेड बॉल टीम न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ाने में मसरूफ थी, वहीं इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम नेदरलैंड के साथ पंजा आजमा थी। दोनों टीम्स के दरमियान 3 ODI मैचेस की सीरीज 17 से 22 जून तक खेलेगी, जिसे इंग्लैंड ने 3-0 से कन्विंसिंगली अपने नाम किया। 248 रन के साथ जॉस बटलर मैन ऑफ द सीरीज बने और इसी सीरीज में हमें ODI हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल भी देखने को मिला। इसी मंथ के एंड पर इंडिया और आयरलैंड के दरमियान 2 T20 पर मुश्तमिल सीरीज 26 से 28 जून तक खेली गई, जिसे इंडिया ने 2-0 से जीत लिया। आयरलैंड की तरफ से लास्ट मैच में कुछ फाइट नजर आई, जिसमें उन्होंने 225 का टारगेट चेस करते हुए 221 रन बनाए। दीपक हुड्डा 151 रन के साथ मैन ऑफ द सीरीज रहे।
अब बात करते हैं लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग्स की। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंडिया दूसरे, जबकि पाकिस्तान छठे नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरह ओडीआईज में न्यूजीलैंड फर्स्ट, इंग्लैंड सेकंड और पाकिस्तान थर्ड नंबर पर मौजूद है। 2007 के बाद ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ओडीआईज में टॉप 3 टीम्स में जगह बना पाया है। आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर स्टैंड करते हैं। प्लेयर रैंकिंग्स की बात करें तो टेस्ट में जो रूट नंबर 1 बैट्समैन, पैट कमिंस नंबर 1 बॉलर और रवि जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, जबकि ओडीआईज में बाबर आजम, ट्रेंट बोल्ट और शाकिब अल हसन टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल्स में भी नंबर 1 बैट्समैन है, जबकि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर जॉश हेजलवुड है और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में टॉप पर है मोहम्मद नबी। आखिर में अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए सेकंड टेस्ट में मैच के आखिरी रोज इंग्लैंड को 72 ओवर्स में 299 रन का टारगेट मिला। चेस के दौरान 56 के टीम स्कोर पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट हो गए, देन एंटर्ड जॉनी बेरिस्टो। जिस सिचुएशन में कोई भी दूसरा बैट्समैन ड्रॉ के लिए खेलता, बेरिस्टो ने एग्रेसिव खेलते हुए 92 बॉल्स पर 14 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 136 रन बनाए, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने 299 रन का टारगेट 50 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। बेरिस्टो की इस इनिंग्स ने ना सिर्फ इंग्लैंड को मैच जितवाया बल्कि टेस्ट क्रिकेट की फैन फॉलोइंग में भी इजाफा किया। दैट मेक्स हिम प्लेयर ऑफ द मंथ। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी वीडियोस बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाउ दैट।